दोस्तों, आरआरबी की ओर से एनटीपीसी के लिए कुल 8113 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, सीईएन नंबर है 5/2024। तो ये विज्ञापन संख्या है और इस पर जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये 14 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन है ये आपके शुरू हो रहे हैं 14 सितंबर से। आवेदन की जो अंतिम तिथि है यह 13 अक्टूबर रखी गई है। 13 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 14 अक्टूबर तक आप अपनी फ़ीस जमा कर पाएंगे। और देखो, जो मॉडिफिकेशन विंडो है ये 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक खुलेगी, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो डेट्स हैं और अदर स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स हैं तो उसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए। ये जो 8113 पद हैं तो ये किस किस के लिए हैं, देखो यहाँ पर बताया गया है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का पद है, स्टेशन मास्टर के लिए पद है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पद है, जिसको आप पहले क्या कहते थे, टीटीई कहते थे, अब उनको गुड्स ट्रेन मैनेजर कहते हैं। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पद है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पूरी जानकारी आपको दी गई है कि कौन से पद कितने हैं संख्या में। जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए कुल पदों की संख्या 1736 है, ठीक है, 1736। और स्टेशन मास्टर एसएम के लिए 994 पद हैं, ध्यान रखिएगा 994 पद हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 पद हैं और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 पद हैं, सीनियर क्लर्क के लिए 732 पद हैं। तो जो सर्वाधिक पद हैं वो गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि टीटीई के लिए हैं। और देखो, यहाँ पर जो 3 साल का पैंडेमिक था कोविड वाला, उसकी वजह से जो एज लिमिट है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है 3 साल का। पहले क्या होता था कि उम्र सीमा 18 से 33 साल रखी गई थी, इसको बढ़ाकर 18 से 36 साल कर दिया गया है। तो 18 से 36 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 18 से 36 प्लस जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भी उम्र में यहाँ पर प्लस एक्स्ट्रा छूट भी दी जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर A2, A3 और B2, C2 करके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ये अलग अलग पद के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चेक की जाएंगी। नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, और अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है तो फिर उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखो, यहाँ पर जो आवेदन है ना वो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तिब्बती जो रिफ्यूजी हैं वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में लिखा गया है कि ओबीसी एनसीएल को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर उम्र सीमा में छूट है। जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी हैं तो उनको 10 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी और एनसीएल को 13 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल की छूट है। तो आप नियमानुसार यहाँ पर जो छूट अनुमन्य है उसका भी लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। और देखो, मैंने कामन तौर से बता दिया है कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है ओबीसी एससी एसटी को कितनी छूट मिल रही है। बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी है उसमें आप देख लीजिएगा, वुमन कैंडिडेट्स हु आर विडो डाइवोर्स आर जुडिशली सेपरेटेड हैं तो उनमें भी उम्र सीमा में छूट है, 35 साल 38 साल 40 साल यहाँ पर दिया गया है। और जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 500 रुपये फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, और जब आप पहली स्टेज की जो CBT परीक्षा होगी जब आप उसमें शामिल हो जाएंगे तो 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे सेम अकाउंट में जहाँ से आपने पेमेंट किया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट आप अपने अकाउंट से ही करिएगा या अपने माता पिता के अकाउंट से करिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं और पेमेंट करवा लेते हैं तो पैसा उनका ही वापस जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप जाके करवाते हैं कहीं बाहर से अपना फॉर्म भरवाते हैं तो आप 500 रुपये तो वो आपसे ले लेगा, लेकिन जब 400 रुपये वापस आएंगे तो वो बस उसी को मिल जाएगा। तो पेमेंट आप खुद करवाइएगा, ठीक है। और मोड्स ऑफ पेमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए आपको केवल एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिस भी रेलवे में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो भी रेलवे आपको प्रेफर करते हैं करना है वहां पर जाकर आप
अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखो नियमानुसार CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। जैसे कि जो क्लर्क वगैरह की पोस्ट होती है उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, स्टेशन मास्टर वाले में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी। तो नियमानुसार आपका ये जो चयन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। पहली स्टेज की जो परीक्षा होगी, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि 90 मिनट की परीक्षा होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न होंगे, मैथ से 30 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 100 प्रश्नों का उत्तर आपको 90 मिनट में देना होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपके जो 1/3 अंक हैं वो कटेंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, उनको सेकेंड स्टेज CBT में बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो पूरा का पूरा सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब होगा तो उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज। तो 15 गुना लोगों को सेकेंड स्टेज की जो CBT परीक्षा होगी उसमें बुलाया जाएगा। इसमें भी वही रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न, मैथ के 35 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 प्रश्न। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120, ठीक है। और इसके लिए जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट्स वगैरह जो पद हैं, तो जो भी क्लर्कियल काम है ना उसके लिए टाइपिंग टेस्ट आपकी करवाई जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में आपको जो अंक मिलेगा वो फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ेगा। और आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है ना वो सामान्य रूप से आप जानते ही हैं कि इसमें अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकते हो और हिंदी में कम से कम 25 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकते हो। और हिंदी में जो आपकी टाइपिंग होगी वो कृतिदेव और मंगल फॉन्ट में आप कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आपका जो DB होगा वो करवाया जाएगा। और यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर क्लर्क, मतलब कहाँ कहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है कहाँ कहाँ पर नहीं है आप देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए है, और जो स्टेशन मास्टर होंगे स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द अबव पोस्ट। और अंकों का नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा ये कई स्टेज में होगा। और अप्लाई करने के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ एनी वन RRB, मतलब हर RRB में आप नहीं कर सकते हैं, केवल एक RRB आपको चुनना पड़ेगा एज पर देयर एलिजिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन अप्लीकेशन मोड। तो ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा और किसी एक RRB का चयन करके आप आवेदन जो है वो करेंगे। लास्ट में जो एनेक्सर 1 दिया गया है उसमें पोस्ट पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप अगर स्नातक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी पद हैं सब में स्नातक ही मांगा गया है। हाँ, कुछ पद हैं जैसे कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि स्नातक या इसके बराबर कोई आपने कोर्स किया हुआ हो, और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मांग रहे हैं। और सीनियर क्लर्क के लिए जो पद है उसमें भी डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर एसेंशियल। और बाकी जो भी पद हैं उस पर आवेदन करने के लिए स्नातक जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, सिंपली कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और किसका किस लेवल पर मेडिकल होगा तो वो चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि B2 लेवल पर चीफ कमर्शियल क्लर्क का होगा, असिस्टेंट मास्टर का A2 लेवल पर होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट वो किस लेवल पर होगा। और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप मैं ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप देखेंगे तो वैकेंसी टेबल दिया गया है, जैसे कि RRB अहमदाबाद में कितनी वैकेंसीज है किस पद के लिए, इसके बाद RRB अजमेर में कितनी वैकेंसी है किस पद के लिए, RRB बेंगलुरु में कितनी वैकेंसी है। तो जिस भी RRB में आप आवेदन करना चाहते हैं वैकेंसी वाइज आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद अपनी जो RRB है उसमें जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट करने का मैंने पूरा प्रयास किया है क्योंकि कुल मिला के 80 पेज का नोटिफिकेशन है और मुझे लगा कि थोड़ा सा शॉर्ट इसे रखा जाए ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लासेज आपकी इसी चैनल पर चलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।